हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पीएससी व्यापम या व्यापम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआई, पटवारी, हॉस्टल अधीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर या वर्तमान में अभी निकले रेंजर पद की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी। हिंदी में आज हम देखेंगे समास, समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि, अव्यय, समास या छंद। दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? ऑप्शन है संक्षेप, विग्रह, विस्तार या विच्छेद। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय भाव समास है? ऑप्शन है गृहागत, प्रतिदिन, आचार कुशल या कुमारी। दोस्तों, अव्यय भाव समास है प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन है चक्रपाणी, नीलोत्पलम, चतुर्युगम, माता पिता। इसका सही आंसर है नीलोत्पलम। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास है? कर्माधारय समास। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। देशांतर में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। मुख दर्शन इसमें
तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन है निषदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। दोस्तों बहुव्रीहि समास पंचानन है। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास या द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास? ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये द्विगु समास है। बताइए निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? दोस्तों निशाचर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? सही आंसर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, दशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? दशमुख इसमें बहुव्रीहि समास है, इसका सही आंसर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? सुपुरुष इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? इसका सही आंसर है कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है आजीवन, सप्ताह, भूदान या पुरुष सिंह। दोस्तों दिए हुए शब्दों में सप्ताह एक ऐसा शब्द है जिसमें द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों के समानिधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद समास, द्वंद समास या बहुव्रीहि समास? सॉरी ये जो है द्विगु समास है, द्विगु समास। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, किसमें सही समासिक पद है? ऑप्शन है पुरुष, धन्वी, त्रिलोकी, दिवारात्रि या मंत्री परिषद? सही समासिक पद है देव में शब्दों में। बताइए इसका सही आंसर है दिवा रात्रि। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है अन्वय, चतुरानन, दिन रात, त्रिभुवन। दोस्तों द्विगु समास है त्रिभुवन में। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, जैसे चतुरानन दिया हुआ है, ये जो है बहुव्रीहि समास है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद समास का उदाहरण है? ऑप्शन है पीताम्बर, चौराहा, नेत्रहीन, रुपया, पैसा।
इसका सही आंसर है रुपया पैसा। रुपया पैसा जो है द्वंद समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। दोस्तों अपेक्षा करता हूँ इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि लगातार आप जो है हर बार इसको पढ़ते ही होंगे। इसका सही आंसर है, आप लोग जानते ही हैं, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है द्वंद समास। अगला प्रश्न है दोस्तों लंबोदर में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, ये जो है कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है देश प्रेम में कौन सा समास है। ऑप्शन है वैभव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विच्छेद होता है देश के लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।